Oh my god! कई बार धरती पर ऐसी अनोखी घटनाएं घट जाती हैं, जिन पर विश्वास करना बेहद मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको आज तक किसी ने घटित होते हुए नहीं देखा होता, बस उनके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके घटने की वजह का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी रिसर्च करके थक गए, लेकिन इन रहस्यमय घटनाओं का जवाब कोई भी नहीं दे पाया। इस वीडियो को शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साल 2013, चिली के सैंडियागो में बस्टामंटे पार्क, जहां चिली के ही रहने वाले एक शख्स ने आसमान में एक रहस्यमय जीव को उड़ते हुए देखा। ओह माय गॉड! ये जीव इंसानों की तरह दिखता था। इस क्रिएचर के चमगादड़ जैसे पंख और रेजर जैसे तीखे दांत, लंबी पूंछ और पंजे थे। कुछ हद तक ये जीव बैटमैन और ड्रैकुला की तरह लग रहा था। उस शख्स ने इसे बस्टामंटे पार्क में दो पेड़ों के बीच में उड़ते हुए देखा। हालांकि अब तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि इस दावे की सच्चाई क्या है। दुनिया के नक्शे में चस्पा नॉर्थन मेक्सिको सिटी, जहां एक रहस्यमय घटना ने सबको हैरान कर दिया। उस दिन भी यहां हर दिन की तरह सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक आसमान से धरती पर एक साथ सैकड़ों पक्षी नीचे गिर पड़ते हैं। ये नजारा वाकई चौंका देने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने एक साथ इन पक्षियों को आसमान से नीचे फेंक दिया हो। इस घटना के दौरान कई पक्षियों की मौत हो गई, तो वहीं कई बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन आखिर तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका कि आखिर सैकड़ों पक्षी आसमान से कैसे गिर पड़े। इसी तरह पक्षियों से जुड़ी एक और घटना ग्रीस में भी घटित हुई थी, जिसमें पूरे शहर का आसमान पक्षियों से भर गया। इस दौरान लाखों पक्षियों का एक झुंड एक साथ तेज आवाज के साथ शहर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। इतने सारे पक्षियों के एक साथ आने से एक बार के लिए तो पूरे शहर का आसमान काला हो गया। ऐसा लग रहा था मानो शहर में पक्षियों की सुनामी आ गई हो। ये दोनों नजारे अद्भुत, अद्वितीय और अभूतपूर्व थे। रात के करीब 3 बजे इंग्लिश चैनल के पास एक रहस्यमय घटना हुई, जिसने लोगों के दिलों में कई सवाल खड़े कर दिए। किसी को लगा जैसे रात में दिन जैसा उजाला हो गया, तो किसी की आंखें चौंधिया गई। किसी को लगा न्यूक्लियर हमला हुआ है, तो किसी को लगा पृथ्वी पर एलियंस आ गए। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल में एक एस्ट्रॉइड दाखिल हुआ और फट गया। जब यह फटा तो पूरा आसमान रोशनी से जगमगा उठा। कनाडा के क्यूबेक जंगल में तब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, जब उन्होंने जंगल की जमीन को ऊपर नीचे होते देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जमीन सांस ले रही हो। बाद में मालूम चला कि पानी की अधिकता के चलते जंगल की जमीन में नमी रहती है। फिर जब तेज हवा चलती है तो गीली जमीन ऊपर की ओर उठने लगती है, जिन्हें देखकर यह भ्रम होता है कि जमीन सांस ले रही है, जबकि ऐसा गीली मिट्टी और हवा के प्रेशर के चलते होता है। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखने और सुनने में बहुत ही मजेदार है। आप देख सकते हैं कि इस पेड़ के तने से पानी निकल रहा है। तमिलनाडु के जंगलों में पाए जाने वाले इस खास किस्म के पेड़ का नाम टर्मिनालिया टोमेंटोसा है, जिसके तने से एक बार में 1 लीटर तक पानी निकल सकता है। क्यों, है ना कमाल की बात? इस पेड़ के तने पर कट लगाइए और पानी नल की तरह निकलने लगेगा। इस क्षेत्र के आदिवासी अपनी प्यास बुझाने में इस पेड़ का उपयोग लेते हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपना प्यार जता सकते हैं। आपका यही प्यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 2000 लाइक्स मिले। अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक्स मिलते हैं
तो हम इस सीरीज का तीसरा वीडियो भी बहुत ही जल्द बना देंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। महाराष्ट्र के यवतमाल का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। यहाँ जमीन फट जाती है और स्कूटी सवार महिला गायब हो जाती है। इस घटना के बाद जमीन से पानी की तेज बौछार फूट पड़ती है और देखते ही देखते पानी दूर सड़क तक फैल जाता है। रूह कंपा देने वाला ये पूरा वाक्या सीसीटीवी में कैद हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जमीन फटी कैसे और वो लड़की कहां गायब हो गई? जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि जमीन फटने की यह घटना एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन के अचानक फटने के चलते हुई है, जिसमें जमीन इतने प्रेशर से फटी कि स्कूटी सवार लड़की बहुत दूर जाकर गिरी और बुरी तरह से घायल हो गई। साल 2012 में नॉर्वे के तट पर अचानक मरी हुई लाखों मछलियां आ गई और फिर बाद में वो विचित्र रूप से गायब भी हो गई। ये कैसे और क्यों हुआ, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। 25 वर्षीय एक लड़के का दावा है कि वर्तमान में उसके साथ कुछ भी घटित होता है, वो घटना उसके साथ पहले ही हो चुकी होती है। प्राइवेसी के चलते हम इस लड़के के नाम का खुलासा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस लड़के ने ऐसी ऐसी कई घटनाएं बताई है जिसके घटित होने का उसने पहले ही अनुभव कर लिया था। उसके ये दावे वाकई चौंकाने वाले थे। वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है। हाँ, कुछ साइकोलॉजिस्ट का जरूर ये कहना है कि इस तरह की स्थिति डेजावू के चलते हो सकती है। डेजावू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ। ये एक तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो 8 से 10 साल की उम्र में शुरू होती है और 20 से 25 साल की उम्र में एकदम पीक पर होती है। अब इस लड़के के साथ जो हो रहा है वो डेजावू हो या कुछ और, ये तो भगवान ही जाने। अमेरिका के लोवा में रहने वाला लैंडन जोन्स नाम का एक लड़का पूरी दुनिया के लिए रहस्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लड़के को न तो भूख लगती है और न ही प्यास। हालांकि 11 साल की उम्र तक जोन्स बिल्कुल सामान्य था, लेकिन 14 अक्टूबर 2014 के बाद से उसे भूख प्यास का एहसास होना ही बंद हो गया। कई डॉक्टरों ने अपनी तरह से अलग अलग दवाइयां देकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी मिली। मायो क्लिनिक के डॉक्टर्स के मुताबिक लैंडन जोन्स के अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ ऐसा कभी हुआ हो। तो दोस्तों, ये थी धरती पर घटी वो अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं जिनके रहस्य से आज तलक पर्दा नहीं उठ पाया है। अगर आपके ध्यान में भी ऐसी कोई घटना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।